बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद सलमान। गाइस आज है 26 नवंबर सैटरडे का दिन है, सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं सुनहरा। और सुनहरा से हम लोगों ने फ़िशिंग के लिए जाना है, 24 घंटे का हमारा ट्रिप है। रात को भी शिकार करेंगे, सुबह भी शिकार करेंगे, अभी यहाँ से चढ़ना जाएंगे और मिसलिनियस पॉइंट्स पर जाके हम शिकार करेंगे। तो वो जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको मैं इस वीडियो में सारी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। और हमने कुंद वगैरह के लिए काफ़ी इक्विपमेंट और काफ़ी चीज़ें हमने ली हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े शार्क्स हमने यहाँ पर पकड़ने हैं। तो जो भी हमारे पास है वो सब कुछ मैं आपके साथ, टिप्स एंड डिटेल्स सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं आगे चल के। अच्छा तो गाइज अभी मैं यहाँ पर सुनहरा पर एक यहाँ के मकीम हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो इनसे ज़रा मालूमात लेते हैं कि क्या हो रहा है आगे शिकार के हवाले से कुछ डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इनकी कश्ती भी है अपनी, इनका नंबर वगैरह भी मैं आपको दे दूँगा, आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये बताते हैं कि शिकार की क्या आज रिपोर्ट है। भाई शिकार तो अभी कम है, थोड़ा कम है हाँ, लेकिन हयात के तरफ भी है। आठ बॉम्बे शिकार अभी सही हो रहा है। आठ बॉम्बे हयात की तरफ? आठ बॉम्बे ना। अच्छा अच्छा हाँ, हयात पे संग्रे वाली पे इसी साइड पे समझो है शिकार ना? शिकार है हयात समरे वाली पे और आठ बॉम्बे आपके? आठ बॉम्बे ठीक है हाँ। इसके अलावा आप बताएं कश्ती की क्या चार्जेज हैं आपके? अभी 8-9 हज़ार है। 8-9 हज़ार रुपये? और कितने टाइम के लिए लेके जाते हैं? 24 घंटा लग जाता है। 24 घंटे के लिए लेके जाते हैं 8-9 हज़ार रुपये में? तो मैं आपका नंबर व्यूवर्स को दे दूं ताकि वो आपसे कांटेक्ट करें अगर उनको जाना हो तो। जी सही है, ठीक है ना? ठीक है, ओके ठीक है बॉस, थैंक यू सो मच। हफ्ता आतवार जो है उसमें थोड़ा महंगा है। अच्छा, हफ्ते और इतवार वाले दिन जो है ना थोड़ा महंगा है। ठीक है, नॉर्मली 8-9 हज़ार रुपये जा रहा है, लेकिन हफ्ते इतवार वाले दिन आप कह रहे हैं थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। वो जो भी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे लोग और आपसे फिर इन्फॉर्मेशन लेके वो आपसे प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। नंबर आप बता दें आप? 0301 0301 29 29 48 48 547 547। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अली भाई। तो व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना शिकार के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मुझे भाई मिले हैं, एंगलर मिले हैं और माशाल्लाह काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस लग रहे हैं ये भी। तो इनसे बात करते हैं ये क्या इनका प्रोग्राम है, किस तरह जा रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? साहबजादा कमरान। साहबजादा कमरान भाई, ज़रा बताएंगे आपके ट्रिप के हवाले से क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए अभी जा रहे हैं, ये टेक्निक का गेम है, इसमें GPS जिसके पास है वो उस नंबरों पर जाएगा तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पाएगा। अच्छा, आगे ऐसे जो लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे शौकीन आ गए हैं शिकार के। अच्छा, उन्होंने रेट भी ख़राब किए हैं, सब चीज़ ख़राब किए हैं। जैसे अभी उसने बाबा ने बताया कि 8-9 हज़ार रुपये में जाते थे। अच्छा, अब हफ्ते वाले दिन ये ज़्यादा पैसे लेते हैं। सही। और मैया जब इनकी आ रही थी तो बाकी उस वक्त मैया बहुत एक्सपेंसिव थी, तो उस वक्त ये 14-18 हज़ार ले रहे थे। अच्छा हाँ, उसके बावजूद जो शिकारी थे वो जा रहे थे, हमको भी जाना पड़ रहा था। बिल्कुल, आज भी हम जा रहे हैं हफ्ते वाले दिन। तो हफ्ते के इवेंट को पहले 40 होते थे लोग, अब 100 हो गए आने वाले। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वो बस चल पड़ते हैं घर से, भाई शिकार पे जाना है, उनको पॉइंट भी नहीं पता, फिर बाद में कहते हैं लाड़ा खा के आए, चारे का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कौन सी मछली लग रही है, कौन सा कांटा लगाना है। सही। तो उन्होंने असल शिकारियों का जो एंगलर्स का शिकार था ना उसको मैश कर दिया। सही। और उनको इतने हाई रेट्स कर दिया कि हमको तो जाना ही पड़ेगा। सही सही, ये कभी कभार आने वाले लोगों ने यहाँ पर रेट्स हाई कर लिए और बिल्कुल ज़्यादा पैसे दे। अब बाकी ये कि अभी नॉर्मल आ जाएगा शिकार, लग रहा है अभी पॉइंट्स पे लग रहा है, कोई खास पॉइंट है जिधर शिकार लग रहा है? क्या पॉइंट्स हैं जरा बताएंगे? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तलार है, 44 है। अच्छा, 44 हाँ, गंदबू है। तो आपने कितने में? किचानी है। अच्छा, आपने कश्ती कितने में हायर की है? भाई मैंने तो वो मुझसे 12 हज़ार मांग रहा था, मेरा अपना जानने वाला। अच्छा, 12 हज़ार। मैंने उनको बहुत सुनाई, मैंने कहा 11 दूंगा, वो कहता नहीं मेरे पास और भी कस्टमर है। फिर मैंने कहा अच्छा तू कर ले, अपन कर लेंगे। तो आप लोग कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 7-8 हैं। 7-8 पीपल। ओके, तो एंड आई टोल्ड ऑल द एंगलर्स टू काइंडली मेक योर लाइसेंसेस, इट्स वेरी चीप। Inside 1,000 you can have 4-5 places, you know, for license. Okay. And license is good, you know, for our future. See what dirt we are going to face, you know, by going to the boat and coming back from the boat. Yes. We have to face this dirt, as you see in the background.
Okay. Samajh gaye. Now they said the director of fisheries said that they are going to make the jetties and all over here. So you kindly make licenses and all, and it's very cheap. So I said okay, I am going to say all the anglers to kindly make your licenses at 1st December. That's the last date of that. Okay. So viewers अपना लाइसेंस बनाए, ये जो इन्होंने बताया है तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है माशाल्लाह, और काफ़ी एक्सपीरियंस ये शिकारी हैं. तो देखें अब और कोई हमें मिलता है तो हम आपको उससे बात करवाते हैं. वेलकम सलमान. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तो अच्छा जी, ये एक और हमारे भाई हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान है और मैं तकरीबन कोई 30 साल से गेम खेल रहा हूँ. 30 साल से खेल रहे हैं माशाल्लाह भाई, हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे मिल गए हैं. आइए इनसे फुल टिप्स और टेक्निक्स ले लेते हैं जितनी मिल सकती है हमें. भाई ज़रा हमें बता दें आज क्या होने. देखिए मैं कल गया था शिकार पे ना. बिल्कुल. तो आज अभी सुबह उतरा हूँ. अच्छा. तो अभी ये भाई हमारे दूसरे आए हैं दूसरे इलाके से ना. अच्छा. तो ये मेरे दोस्त यार हैं, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार दूसरा दिन आप हमारे साथ लगाएं, क्योंकि हम मेरे पास सारा हिसाब किताब होता है GPS का ना. अच्छा. ये सारे नंबर आ रहे हैं, ये मैं शो करा देता हूँ इसमें कि ये हमारा GPS लोड करा हुआ है हमने. हाँ ये. अच्छा. तो ये हम इसकी मदद से जो है ना पॉइंट ढूंढ लेते हैं. सही सही. ये नॉर्मली मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है. हाँ ये सैटेलाइट से चलती है. सैटेलाइट से चलती है. ओके. इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? इसका एप्लीकेशन का नाम मुझे इंग्लिश तो पढ़नी खैर आती नहीं है. ठीक है, मैं इसके बारे में है ना पता करके आप लोगों को बता दूंगा. और अभी आज हमारा मूड है, अभी हम पहले मैया पकड़ेंगे यहाँ से. अच्छा. ठीक है ना, फिर उसके बाद में हम हाशमत वाली जाएंगे. अच्छा. और वहाँ से फिर रात को 1 बजे हम लोग वहाँ जाएंगे अपना. चलो भाई. हयात पे. ये 2 नंबर करेंगे, मैया पकड़ेंगे, ये लाइव चारा पकड़ेंगे. जी. हाँ. और फिर रात को जाएंगे हयात पे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 3 जगहों से पॉइंट से कल मछली उठाई है. इन 3 जगहों से इन्होंने कल ही मछली उठाई है. बिल्कुल. ये ताज़ी रिपोर्ट है. बिल्कुल ताज़ी रिपोर्ट है. और आज मेरा ख्याल से 25 नवम्बर है. 26 नवम्बर. 26 नवम्बर. हम 25 को गए थे, 26 को भी जा रहा हूँ मैं. बस सही है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आपकी इन्फॉर्मेशन दी. चलिए तो व्यूअर्स, ये हमारी कश्ती है, काफ़ी बड़ी है, सिर्फ 7 लोग हैं. हम लोग जंगल में मंगल करने के लिए. ये देखें, ये हमारे जायद भाई ने जो है ना फुल तैयारी की हुई है. जायद भाई माशाल्लाह, आपने तो शार्क पकड़ने हैं, मुझे लग रहा है ये सारा इक्विपमेंट इन्होंने अभी लिया है. फिशिंग के हवाले से एक तैयारी आदमी करता है जी, तो नसीब है मछली आए ना आए, शिकार लगे ना लगे. अच्छा. तो वो नसीब है बस. अभी देखो तैयारी है. अच्छा माशाल्लाह, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है यार. माशाल्लाह. लगना चाहिए बड़ा एक शार्क. नहीं लगना चाहिए, वो तो एक अलग बात है, अभी नसीब के ऊपर है, वो लगे ना लगे. लगेगा इंशाल्लाह. तो ये है, एक फ्रिज भी इसमें रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक तो है नहीं यहाँ पर, इसमें बर्फ़ डालनी जाती है, उसके बाद आप फिशेज इसमें रखते हैं. बाकी ये लाइट्स हैं, इनके पास लाइट्स नहीं होती. ये लाइट्स अपने साथ ज़रूर लाएं अगर रात का शिकार करना है तो, वरना रात को कुछ नज़र नहीं आएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे. अच्छा तो व्यूअर्स, कश्ती पर ये जो है ना, ये गटर नहीं है, ये किचन है. ये देखें अंदर छोटा सा किचन, माशाल्लाह. यहाँ अंदर हम चाय पकाएंगे, खाना गर्म करेंगे, खाना पकाएंगे. ये छोटा सा किचन है कश्ती का. 35 पाउंड करेंगे 40 पाउंड करेंगे. ये देखें, वाह. तो व्यूअर्स, ये बनाई जा रही है स्टील वायर की डोर, जिससे हम कुंद मछली का शिकार करेंगे. अभी वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं इसका मुकम्मल तरीका अलग से अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा. रुको मैं पकड़ूं. अच्छा तो अभी हम लोग यहां पर रुके हैं मैया पकड़ने के लिए, ज़्यादा आगे नहीं गए. ये देखें मैया पकड़ने के लिए क्या यूज़ होता है. रमीश भाई ज़रा बताएं क्या है ये. ये मोती है. मोती. अच्छा. इसको फिर किस तरह, मतलब को हम थोड़ा सा हल्की सी पट्टी वजन लगा के. अच्छा. इसको जाने देते हैं, पहले बॉटम पे जाएगा ये. सही. फिर थोड़ा सा ऊपर उठा के बस इसको हिलाना है. अच्छा, हिलाते रहना है. जी जी. ऐसे बस फिर उस पर मैया आ जाएगा. डालें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम.
ये गया अंदर और इसको फिर आराम आराम से ऊपर लाना पड़ता है क्योंकि मैया उसको पकड़ के बैठा रहता है, वो फंसता नहीं है उसमें, सिर्फ चूस रहा होता है, वो सिर्फ चूस रहा होता है उसको, तो उसको आराम आराम से लाना होता है। चलो जी, इस तरह मैया पकड़ा जाता है भाई। ये भाई मेरी डोर पे आया भाई। एक और आया, ये भी बड़ा ही लग रहा है। दिखाएगा रवि सटा व्यूअर्स, ये फिशिंग रॉड में हमने रंपाला लगाया है और ट्रॉलिंग कर रहे हैं, कश्ती चल रही है और वो जो रंपाला है जैसे कहते हैं वो पीछे ट्रॉल हो रहा है, देखते हैं इसमें कोई बड़ी मछली आती है या नहीं आती। इस वक्त हम चरना के पास से गुजर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे, चरना आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जैन भाई जियो, तकरीबन माशाल्लाह 1 किलो का लग रहा है। ये देखें, पता नहीं कोई मछली है, ये हमारी कश्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या लाया भाई, ऊपर दिखाना यार। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है रियान भाई। नवाज शरीफ दिखाओ तो सही, इधर तो लाओ, ब्लू कलर की डोर है छोटे कांटे वाली, क्या बात है यार। वो ब्लैक कलर की थैली में ऐसी उनको दिखाया था मैंने, ये देखिए जोरों शोर से शिकार में लगे हुए हैं सारे। आया हीरा माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखाइएगा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। रियान भाई ऊपर कीजिएगा थोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह रियान भाई, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। दिखा इधर ले आओ, ये साइज निकले हैं। वो कोंडा आ गया, भाई कोंडा आ गया जियो जीशान भाई जी। ये भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और फोन निकला, बेहतरीन हो गया भाई। बगैर स्टील वायर की कुंदा आ रहा है क्या, दिखाइएगा क्या है।
जिंदा है माशाल्लाह। जाएगी माशाल्लाह। एक और कुन कितने वाम पे होगा? 4-5 तो व्यूअर्स, फजर अभी अभी हुई है और फजर के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। मुझे लगा था कि हम रात को निकल जाएंगे। अभी मैं बहुत अहम बात आपको बताने लगा हूँ सुनहरा से शिकार पे जाने के हवाले से, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर सुन ले, आपके काम आएगा। तो बात यह है कि सुनहरा से जब आप जाते हैं तो यहाँ पर लो टाइड और हाई टाइड जो है पानी का, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है। अगर आप जब जाना है तो हाई टाइड में जाना है, और जब वापसी जाना है तो भी हाई टाइड में ही जाना है। क्योंकि रात को तीन बजे जब हम यहाँ से वहाँ से हम निकले तो मुझे लगा कि हम चले जाएंगे किनारे पर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जो कश्ती वाला है उन्होंने ये कहा कि जब पानी चढ़ेगा तभी हम जा सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने पानी हाई टाइड पे लगेगा तब आप जाएंगे, तो इसका मतलब 4-5 घंटे आपको समंदर पे रुकना पड़ सकता है, चाहे आपको कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे मतलब कि लाइक वॉशरूम जाना है या व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो, तो आपको 4-5 घंटे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे रुकना पड़ा ना। तो ये बहुत अहम बात है आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको खर्चे के हवाले से बता दूँ, कश्ती हमें 13,000 रुपये में मिली, चारा हमने 2,000 रुपये तक का तकरीबन लिया, और खाने पीने की चीज़ें तो हमने घर से बनवा ली थी। इसके अलावा क्या रह गया, बर्फ़ ले ली थी हमने 500 रुपये की। तो ये टोटल हमारा खर्चा है शिकार, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फौरन मिल जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।